और मेरे भाई ये क्या हाल चाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ग्रूमिंग एसेंशियल्स फॉर मेन के बारे में कि यार अगर तुम लोग अच्छा अपनी ग्रूमिंग को अच्छे तरीके से रखना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कौन कौन सी चीज़ की जरूरत होगी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड भाई ये वीडियो तुम पूरी लास्ट से देखना क्योंकि यार ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं और जो कि इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है वो आता है फेस क्लीनर। तुम्हारे पास होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप तुम लोग कहोगे भाई ये कौन सी चीज़ होती है फेस क्लीनर, अरे यार मतलब जिससे कि तुम्हारे फेस पर जितना भी डस्ट पोल्यूशन वगैरह होता है वो खत्म हो जाए, क्या कर ले सकते हो? तो मैं ना फेस वॉश लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, स्क्रब ले सकते हो तुम, क्योंकि ये दोनों ही होते हैं ये अपने अपने जगह फेस क्लीनर का काम करते हैं। जो फेस वॉश होता है वो तुम हर दिन यूज कर सकते हो और जो स्क्रब है वीक में एक से दो बार यूज कर सकते हो, जो कि मतलब दोनों का अलग अलग काम है लेकिन तुम दोनों ही ले सकते हो, जिससे कि तुम्हारा जो फेस है वो क्लीन होने में काफी ज्यादा सही रहने वाला है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आते हैं शेविंग किट। अब यार देखो इंडिया में तो मैंने नहीं देखी है, बहुत ही कम देखी है मैंने किसी और के घर में शेविंग किट, एक्चुअली मेरे घर में है बट अगर जहां तक की बात करें किसी और के घर में मैंने कभी नहीं देखी है। वो क्या करते हैं अपनी बियर्ड वगैरह भी शेव करवानी होती है, बाल बनवाने होते हैं तो वो बार्बर के पास चले जाते हैं, बियर्ड दो दिन में बढ़ गई वापस बार्बर के पास जाते हैं। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग क्या हो, थोड़े से बदल चुके हो, थोड़े से बड़े हो चुके हो, अपने आप को अपडेट करो। तुम क्या कर सकते हो, तुम लोग को शेविंग किट खरीदना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए तुम्हारे पास शेविंग किट में क्या क्या रहना चाहिए, शेविंग ब्लेड होती है वो तुम ले सकते हो, उसमें कैंची वगैरह ले सकते हो, शेविंग ब्लेड की जो अलग अलग और भी ब्लेड्स होते हैं ना वो तुम अपने शेविंग किट में ले सकते हो, और भी काफी सारी छोटी मोटी चीजें होती है, ट्रिमर वगैरह होते हैं, छोटी कंघी होती है, वो सारी चीजें जो है ना वो तुम अपने शेविंग किट में रख सकते हो। एक्चुअली यार शेविंग किट में बताऊँ ना तो यार इंडिया में तो शायद मैंने को अमेजोन वगैरह पे फ्लिपकार्ट मैंने सर्च किया तो शेविंग किट मुझे मिली नहीं। तो मैंने क्या किया ना एक डब्बा ले लिया, उसी में सारी चीज़ें रख के अपनी जो शेविंग किट है वो मैंने बना ली थी। तो अगर तुम्हें भी शेविंग किट नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो महंगी मिल रही है, तो तुम क्या कर सकते हो जुगाड़ से जो शेविंग किट है वो तुम बना सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हें पता है पूरे इंडिया जुगाड़ पे चलती है तो भैया शेविंग किट क्यों ना जुगाड़ पे चले, तुम शेविंग किट को भी डब्बे में कुछ ना कुछ रख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आ जाता है कॉलेजन। अब कॉलेजन क्या होता है, कुछ लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, कंफ्यूजन हो गई होगी। कॉलेजन मतलब होता है परफ्यूम, परफ्यूम का ही ज्यादा दूसरा नाम है कॉलेजन। ये तुम्हारे पास रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यार अगर ये नहीं है ना तुम्हारे पास फिर जो तुम्हारे अंडरआर्म्स वगैरह में से गंदी बदबू आने वाली है ना तो भाई उसको ना लड़कियां सहन नहीं कर पाती, वो आत्महत्या कर लेंगे, वो कत्ल कर लेंगे और तुम्हें भी भाई खुद अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं दिल से बताऊँ ना तो भाई अगर मेरे अंडरआर्म्स में से स्मेल भी आ रही है ना एंड मैंने कभी ऐसे गर्मी में सूंघा तो भाई मैं ऐसा लगता है ना मैं खुद मर जाऊंगा भाई अपनी स्मेल सूंघ के। तो इसीलिए तुम लोग ना मरो। तो इसलिए तुम लोगों क्या करना है, परफ्यूम भी कैरी करके रखना जरूरी है, मतलब तुम्हारी जो वार्डरोब है वो उसमें होना ही चाहिए, एक परफ्यूम भी बेस्ट कॉलेजन होना चाहिए। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आ जाता है ट्रिमर। भाई ट्रिमर देखो, ट्रिमर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो तुम्हारे झाड़ जैसी जो तुम्हारी दाढ़ी है वो बढ़ जाती है तो हर बार तुम बार्बर के पास तो नहीं जाओगे ना, तुम क्या कर सकते हो ट्रिमर बाय कर सकते हो। एंड मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है वो तुम्हारा ट्रिमर चल जाने वाला है। मैंने तो फिलिप्स एंड हैवेल्स में से दोनों ले रखे हैं जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं और तुम लोगों को जिस भी कंपनी पर ट्रस्ट है तुम वो वाला ले सकते हो एंड जो कि ले सकते हो। एंड उसके बाद तुम हर हफ्ते हर दिन हर घंटे चाहे तो तुम अपने जो बियर्ड है ना उसे शेव कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाली है। मतलब तुम्हारे पास ट्रिमर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास दो है तभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, कम से कम तुम दो नहीं एक तो ले सकते हो ना, तो तुम लोगों को ले लेना होगा। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आ जाता है फेस मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, मतलब जितनी चीज़ें बताई ना सभी इंपॉर्टेंट है बट सभी को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि सबकी ना अपने एक अलग अलग स्पेस है अपनी अपनी जगह पे। तो मॉइस्चराइजर लेना तुम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तुम लोगों को पता होगा ठंड का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा हाथ ठंडे हो जाते हैं, फेस ड्राई होने लगता है। तो फेस के लिए तुम लोग क्या करना है, मॉइस्चराइजर तुम ले सकते हो। मैं हर बार प्रमोट करता हूँ मैन डिजर्व को बिकॉज इसने मुझे कोई प्रमोशन वगैरह नहीं दी हुई है, ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं, ये वीडियो मेरे को पर्सनली पसंद है तो मैं ये तुम लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि यार ब्रांड प्रमोशन वगैरह मेरे को नहीं करनी है अभी। तो इसलिए मतलब जो पर्सनल मेरा ओपिनियन है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यूज़ करता हूँ मैन डिजर्व का, इसलिए मैं तुम लोगों को भी वही बता रहा हूँ। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट है वो आ जाता है हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट। हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट तुम्हारे पास रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे लाइक मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ तो भाई मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वैक्स आ जाते हैं और दो दो तीन तीन तो मेरे पास हेयर स्प्रे आ जाते हैं, हेयर पाउडर वगैरह आ जाते हैं, काफ़ी सारे हेयर प्रोडक्ट मेरे पास है। बट जहाँ तक कि मैं तुम लोगों को बताऊँ कि तुम लोग कौन सा लेना चाहिए तो मैं तुम लोगों को बता दूँ, तुम लोगों को ना एक क्ले हेयर वैक्स ले सकते हो। अगर तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तुम शुरू शुरू में लेना चाहते हो, तुम क्या कर सकते हो एक क्ले हेयर वैक्स ले सकते हो, हेयर स्प्रे ले सकते हो एंड हेयर पाउडर, ये तीन चीज़ें तुम लोग ले सकते हो हेयर के लिए जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। एंड बाकी सब ड्रायर वगैरह हो गया, स्ट्रेटनर वगैरह हो गया, वो सब अगर तुम्हारे पास अथा पैसा फूट रहा है फट रहा है तो भाई तुम वो ले सकते हो,
जो काफी सही रह सकता है। एक्चुअली मैं दिल से बताऊँ ना तो भाई फैशन के लिए हमेशा जो मेरे पास पैसे ना वो फूटते ही रहते हैं, मतलब मैंने जिस चीज़ पे हाथ रखा वो सामान मेरे पास आ जाता है। तो मतलब कि मेरे पास हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर वगैरह प्रोडक्ट काफी सारे हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो मेरे को जो उनसा उसमें सबसे अच्छा लगा ना वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। क्ले हेयर वैक्स ले सकते हो, मैं लेता हूँ क्ले हेयर वैक्स सेटवेट का जो कि काफ़ी सही लगता है। और जहाँ तक कि मैं बात बताऊँ तो मैन डिजर्व का जो हेयर पाउडर है मैं वो यूज़ करता हूँ, एंड सेटवेट का एंड गैट्सबी का जो हेयर स्प्रे है मैं वो दोनों यूज़ करता हूँ जो कि काफ़ी सही है। इन सब में से तुम कोई भी ले सकते हो। तो दोस्तों बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था, इतनी प्यारी प्यारी छोटी मोटी नन्नी मुन्नी सी बातें बतानी थी। एंड अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास है ना तुम काफ़ी ज़्यादा कूल करने वाले हो, मतलब कूल लगने वाले हो, रॉक करने वाले हो, लड़के वो फ्लैट कर देगा भाई तुम लोग इससे। अगर तुम लोगों ने ये सारे टूल्स को लेके अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो भाई बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। आशा करता हूँ तुम लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी। एंड ये वाली वीडियो पसंद आई है तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब किए, ऐसी एक्साइटिंग एंड अमेजिंग भरी वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते ही रहते हैं। कर देना वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सबको। सब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।